हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नारायण पटेल। आज मैं लेके आया हूं टेरिटोरियल आर्मी का 2017 का जो जुलाई में पेपर हुआ है वो मैथ का पेपर कैसा आता है। आइए अपने आप लोग देख लीजिए। जो आंसर हैं उन्हें बोल्ड कर दिया गया है जिससे आपको आंसर देखने में कोई कठिनाई न हो। यदि इसे पेपर को हम हल करेंगे तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन आप इसे सैंपल के तौर पे देख सकते हैं 2017 का पेपर कैसा आया। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी ट्रिग्नोमेट्री से है। पहला क्वेश्चन वो भी ट्रिग्नोमेट्री से है, इसका आंसर ये होगा। थर्ड वाला आप देखेंगे ये भी ट्रिग्नोमेट्री का ही क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी आपका ट्रिग्नोमेट्री का ही क्वेश्चन है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री का कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। पचपन ये भी ट्रिग्नोमेट्री का है। 56 एक्स प्लस वन अपन एक्स इक्वल टू फाइव, देन ये भी आपका जो है क्वेश्चन एलजबरा का है। अगला क्वेश्चन भी आपका एलजबरा का है। 58 क्वेश्चन अगर देखें सिंप्लीफिकेशन का है। 59 क्वेश्चन देखें तो ये भी आपका एलजबरा से ही ये इवेलुएट होगा। जो 60 नंबर क्वेश्चन है ये भी आपका एलजबरा का ही एक पार्ट है, एलजबरा से ये सॉल्व होगा। इंडसीज का क्वेश्चन है 61, आप देख रहे होंगे 61 जो क्वेश्चन है वो भी आपका जो है सॉल्व होगा। ये आपका 61 क्वेश्चन है। अब देखिए 62 ये भी आपका पावर एंड सर्ड्स का क्वेश्चन है। 63 जो 63 आप क्वेश्चन देख रहे होंगे ये भी आपका एलजेब्रा का ही पार्ट है। अगला क्वेश्चन ये भी एक एलजेब्रा का ही पार्ट है। अगला क्वेश्चन भी आपका एलजेब्रा का ही है। सर्किल की प्रॉपर्टी और उससे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पढ़ता हूँ आपको देखने के लिए, क्वेश्चन आप देख लीजिए कैसे कैसे आते हैं जिससे आपको अंदाजा लग जाए। 67 क्वेश्चन, 68, 69 जो भी आंसर है उनको बोल्ड कर दिया गया है, आप देख सकते हैं। लगभग सभी चीज़ों को कवर किया गया है, कोई भी चीज़ इसमें आपकी छूटी नहीं है। आप इसे स्किप करके आराम से धीरे धीरे देख सकते हैं और इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व भी कर सकते हैं। और इन क्वेश्चनों के आधार पर लगभग आप देखेंगे जिस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं इसी प्रकार के प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं, चाहे वो प्रतिशत हो। प्रतिशत ढेर सारा आता है, एलजेब्रा बहुत आता है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत आती है, परसेंटेज आता है, रेशियो आपका आता है, कभी कभी इसमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट भी आता है, मेंसुरेशन आपकी पूरी आती है, मेंसुरेशन आपको ढंग से आना चाहिए, वर्क वाले क्वेश्चन भी आपको इसमें मिलेंगे, टाइम एंड वर्क के ढेर सारे क्वेश्चंस इसमें रहते हैं। अगला आपका मेंसुरेशन बता चुका हूँ, एलजेब्रा पर आधारित क्वेश्चंस बहुत से रहेंगे, सिंप्लीफिकेशन की भी क्वेश्चन रहेंगे। और आपके ये देखिए काफ़ी क्वेश्चन जो है अगर आप देखेंगे, अगर आप ये क्वेश्चनों को हल करना तो आपको थोड़ा सा एक बुक मैं रिकमेंड करूँगा। बुक जो आपको मिलेगी वो क्लास 9th और 10th की जो है NCERT, और इसके साथ साथ अगर आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं पेपर तो इसमें CBSE जो NCERT बात कर रहा था, आप ICSE की भी बुक्स देख सकते हैं जो कि ये परीक्षा में जो आपकी एलजेब्रा है वो उसमें काफ़ी मददगार साबित होगी। जय हिंद।